नहीं 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 फोन बंद हो जाएगा। रजो ये फोन हमें दो हम चार्जिंग में लगा देंगे। ना ना अपने माई का फोन नहीं दूंगी, मेरे पास ही रहेगा। अगर नंकू काका ने या माई ने फोन किया तो? नंकू काका ने नहीं बताया तुम्हारी माई गांव चली गई है? पर माजी वो रज्जो जब काका ने बता दिया है तुम्हें कि तुम्हारी माई गांव चली गई है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखो तुम्हारी वजह से बाकी सब घरवाले भी कितने परेशान हो रहे हैं, पूरा घर सोया नहीं है आधी रात से। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है बेटा? चलो अब चिंता छोड़ दो और हाथ आगे बढ़ाओ। हम आधी रात को तुम्हारी माई की सलामती के लिए मंदिर गए थे, प्रसाद खा लो। देखो रज्जो तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। ऐसी बचकानी हरकतें एक शादीशुदा औरत पे शोभा नहीं देती बेटा। इस परिवार की बहू होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, तुम्हें सबका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन तुम हो कि तुमने सबकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। माँ ये क्या कह रहे हैं आप? उसकी माँ है वो और तुम हमारे बच्चे और ये हमारा परिवार। देखो तुम्हारी और अर्जुन की हालत, आंखें कैसे लाल हुई पड़ी है थकान की वजह से। और तुम रज्जो तुम खुद की हालत देखो, क्या तुम्हारे और हमारे ना सोने से खाना पीना छोड़ देने से तुम्हारी माई वापस आएगी? नहीं ना तो फिर जाओ अपने कमरे में और अब इस बात पर कोई चर्चा नहीं होगी, जाके सब आराम करो। देखो रज्जो दिमाग को आराम मिलेगा तो सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी और बेवजह की बेचैनी भी नहीं होगी। जाओ आराम करो। ठीक है रज्जो को आराम नहीं करना, तुम सब जाओ। रज्जो तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माई मिल जाएगी। तुम आराम करो, खाना खा लो, तुमने कुछ खाया भी नहीं। आजो सही कह रहे थे खाद बाबू, ऐसा हो सकता है कि माई के जैसा दुपट्टा हूबहू किसी के पास हो, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है ना कि उस इंसान ने उसी दिन उसी दुपट्टे को उसी थाल में गिराया हो जिस दिन माई गायब हुई है और वो भी बह के वहां पहुंच गया जिसका पता माई पर्चे में लिख के गई थी। अंकू काका को फिर से फोन करती हूँ। काका
माता का फोन क्यों नहीं लग रहा है? वही तो है जिनको सब पता है, और किसको? मन्नू तो आखिरी बस पकड़ करके निकल गई। अरे वो पहुंच गई होगी, तू परेशान ना हो। गोलू काका? हाँ गोलू काका ही है, जो रोज गांव से लोगों को लखनऊ लाते हैं। तो अगर माई आखिरी बस में चढ़ी होगी तो उसको जरूर पता होगा। फोन उठाओ, फोन उठाओ। हेलो हेलो हेलो, गोलू काका मैं रज्जो, मेरी माई तुम्हारे बस में कल गांव आई है क्या? तुम मिले उससे? नहीं रज्जो, मनोरमा तो बेटा मेरी बस में तो नहीं चढ़ी थी। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अच्छा तो ऐसा भी हो सकता है ना कि माई कोई दूसरे बस में गई हो? काका कोई दूसरी बस जाती है क्या गांव? नहीं बेटा, गांव से लखनऊ वाले रूट पे मेरी ही बस चलती है, जिसे मैं खुद चलाता हूँ। अगर तेरी माई बस में होती तो मुझे याद होता। अरे हुआ क्या है रज्जो, बता तो। हेलो, माई घर में नहीं है, मगरताल में भी नहीं मिली, गांव नहीं गई है। तू कहाँ गई? चाची हमको पता है कि आप अपनी माई को लेके बहुत उदास हो, पर आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, वो मिल भी जाएंगी। हमने राम जी को छुट्टी रखी है, हमने प्रे किया आपकी माई बहुत जल्दी मिल जाएगी, राम जी सिया की बात सुन लेंगे। आपको भी डर लग रहा है ना, आपकी माई मगरताल गई थी, वो बहुत डरावनी जगह है ना, इसलिए जब आप अपनी माई को ढूंढने गए थे ना, तब हमारी दादी भी बहुत डर गई थी, वो फोन पे किसी से मगरताल के बारे में बात कर रही थी। खाद बाबू, और मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था कि हम मगरताल जा रहे हैं, फिर माजी को मगरताल के बारे में पहले से कैसे पता था? किससे बात कर रही थी वो? चलो ये तो अच्छा हुआ कि मनोरमा आंटी मगरताल में नहीं मिली, मतलब जहां पे भी होंगी सेफ होंगी। छोटे हमें लगता है कि रज्जो की तसल्ली के लिए तुम्हें गांव होके आना चाहिए। जाने के लिए चले तो जाएंगे, लेकिन आधे रास्ते में फंस जाएंगे, पता है कितनी बर्फ पड़ रही है वहां पे। अरे मौसम विभाग से डायरेक्ट संपर्क में हम हैं, मजाक थोड़े। लेकिन चाचा जी हमें जाना होगा, हमें रज्जो की बहुत चिंता है और उसकी माँ की भी। माँ जी तुमको मेरी माई के बारे में कुछ पता है क्या? हमें कैसे कुछ पता होगा, जितना बाकी सबको पता है उतना ही तो हमको भी पता है। अच्छा फिर तुम कल रात मगरताल के बारे में किससे बात कर रही थी? जब मैं और खाद बाबू घर से बाहर गए, ना मैंने मगरताल के बारे में तुमसे कुछ कहा और ना खाद बाबू ने। फिर तुम कल किससे बात कर रही थी मगरताल के बारे में? एक मिनट, जीजी को क्या जरूरत है कहीं जाकर मगरताल के बारे में पूछताछ करने की? कहीं गई नहीं थी, यही थी ये। फोन पे बात किया इन्होंने, सिया ने बताया मुझको, बहुत डर गई थी मगरताल का नाम सुन के। हाँ जी देखो, मुझको मेरी माई की बहुत चिंता हो रही है, तुमको अगर उसने घर से जाने से पहले कुछ भी बताया हो कि किससे मिलने गई हो, क्या करने गई हो, क्यों, मतलब ऐसे जल्दबाजी में बिना किसी को बताए चली गई, वो अगर कुछ भी पता है ना तुम मुझको बता दो, कुछ छुपाओ मत। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, तुम प्लीज मुझको बता दो मेरी माई कहाँ है। फेंक दिया उसे मगरमच्छों के आगे, मार दिया उसे। यही
यही बुलवाना चाहती हो ना कि हमने तुम्हारी माई को मार दिया? अन्ना माँ जी, वो माई जब से मगरताल गई है तब से गायब है, और वहां तो मुझको उसका दुपट्टा मिला है, और तुम्हारी चिंता और भी बढ़ गई है, और इसके लिए सारी गलती हमारी हो गई। कैसे? क्या है क्या हम इस घर में ठाकुर परिवार की सबसे बड़ी बहू, एक बीवी, एक माँ, या फिर एक खूनी? माँ माँ माँ, रज्जो ये कह रही है कि सिया ने आपको किसी से फोन पर बात करते हुए सुना, वो सिर्फ पूछ रही है। सिया तो अभी बच्ची है, पता नहीं क्या सुना है और किससे जाके क्या कहा है। अरे क्या जरूरत आन पड़ी है हमको मगरताल के बारे में बात करने की, और वो भी आधी रात को। हाँ तो हमें बस ये क्लियर करना था ताकि कोई इशू ना हो। हाँ तो कह दिया ना, अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिखवा दे, नहीं बात की है किसी से हमने। रज्जो, माँ ने मना किया ना अभी, ना बोला, चलो नाश्ता करते हैं, कम। ना खात बाबू, इनको जरूर कुछ पता है, वरना एक बच्ची के मुंह से उस जगह का नाम नहीं निकल सकता है। सिया झूठ नहीं बोलेगी, नहीं उसको पता भी नहीं होगा कि मगरताल में है क्या। माँ जी, तुम मुझसे कुछ छुपाओ मत, बताओ ना मेरी माई का है, तुमको जो भी पता है तुम मुझे बता दो ना, मेरी माई का है। रज्जो, बताओ मेरी माई का है। रज्जो, क्या कर रही हो? रज्जो, छोड़ो। क्या कर रही हो? बस करो। माँ ने मना किया ना कि उनको नहीं पता तुम्हारी माई के बारे में, और तुम्हें तुम्हारे गांव की कंडीशन पता है कैसे? तुम्हारे गांव की कंडीशन, पहाड़ गिरते रहते, बर्फबारी होती रहती, सब कुछ ठप हो जाता है। हम कह रहे हैं ना तुम्हारी माँ सही सलामत आ जाएगी, कह रहे हैं ना हम। तुम्हारे कहने से क्या होता है? क्या होता है तुम्हारे कहने से? उसका क्या जो मेरा दिल कह रहा है कि भाई के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, और ये एहसास मुझको तब से हो रहा है जब से मैंने रसोई में माई का लिखा पर्चा देखा है। माई ठीक नहीं होगी, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। अरे उसका सबसे बड़ा सबूत तो माई का दुपट्टा है ना जो हमें मिला है। अरे बस करो, दुपट्टा 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 लगा रखा है तुमने, रट लगा रखी है। 50 बार तुमको समझा चुके हैं, ये कॉमन दुपट्टा है, किसी के घर भी मिल सकता है, जरूरी नहीं तुम्हारी माई का ही हो, किसी और का भी हो सकता है। तुम नहीं समझोगे, तुम में से कोई मेरी बेचैनी नहीं समझेगा। जब नंकू काका ने बोला था ना कि माई ने आखिरी बस पकड़ के वो गाँव चली जा चुकी है, तो मैंने गोलू चाचा को फोन किया था, और उन्हीं की एकलौती बस है जो नीलताल से शहर और शहर से नीलताल आती है, उन्होंने साफ साफ बोला कि माई बस में बैठी ही नहीं है। मतलब साफ है ना कि वो गांव तो नहीं गई है ना। जो माई प्राइवेट बस में भी जा सकती है, प्राइवेट टैक्सी में भी जा सकती है, तुम बेकार में तुम्हारी माई को लेकर टेंशन ले रही हो। वो मेरी माई है, इसीलिए मेरी चिंता बेकार है। अगर तुम्हारी माँ होती ना तो ऐसा नहीं होता। I can't believe this. हम तुम्हारी माँ और हमारी माँ में फर्क महसूस करेंगे? यही सोचो तुम्हारी हमारे लिए, और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें, हम इस मैटर को बहुत सीरियस ले रहे हैं, तुम्हारी माँ की भी हमें उतनी चिंता है, ओके? हर चीज का कारण है हमारे पास, लेकिन वो ना तुमको सुनना है ना तुमको मानना है। मैं तुमको दोष नहीं दे रही, मुझको पता है कि तुम भी बहुत परेशान हो, अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो मेरी माई को ढूंढने में, लेकिन मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जब माँ जी अपने एक अंधविश्वास के चलते मेरी बलि चढ़ाने को तैयार थी, तो या तो मेरा विश्वास है ना कि मेरी माई के साथ कुछ गलत हुआ है खाद बाबू, वो ऐसे ही गायब नहीं हुई है। ये तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, माँ जी से सवाल क्यों नहीं करने दे रहे? हेरा, चलो माना के हमसे गलती हो गई कि हम गुरु माँ की बातों में आ गए, तो क्या हर बार के लिए हम ही गलत होंगे? और जब भी कुछ बुरा होगा तो क्या हम ही जिम्मेदार होंगे उसके? तुम सोच भी कैसे सकती हो कि हम तुम्हारी माई के साथ में कुछ भी बुरा कर सकते हैं? अरे पूछो कालिंदी और स्वरा से, तुम्हें परेशान देख के कल से हम खुद भी कितना परेशान रहे हैं, इसीलिए पंडित जी भी बुलवाए हैं,
कि तुम्हारी माई की सलामती के लिए हम पूजा रखेंगे। ये लो, पंडित जी भी आ गए। माँ जी ने पंडित बुलवा के माई के लिए पूजा रखवाई है। मैं पता नहीं उनको क्या अनाप शनाप बोल के आ गई। मुझको उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी तो कमरे में नहीं है, शायद रसोई में होगी। सोई में भी नहीं थी, पता नहीं कहां चली गई। हमने जो कहा था वो सब हो गया ना? ये तुम माँ जी की आवाज थी। जल्दी बताओ, लेकिन थोड़ा धीरे से। हम नहीं चाहते कि किसी के कानों तक भी ये खबर पहुंचे। जी मैम साहब, आपने जो भी मंगाया था वो सब लेकर आए मकरताल से। मकरताल? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।